hello everyone welcome back to my channel so today we are going to discuss about the topic sales management so let's start एज नेम सजेस्ट सेल्स मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलके बना है फर्स्ट इज सेल्स एंड सेकंड इज मैनेजमेंट मैनेजमेंट को हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है किसी भी एक्टिविटी किसी भी फंक्शन के रिगार्डिंग प्लान करना ऑर्गेनाइज करना डायरेक्ट करना एंड कंट्रोल करना और सेल्स का मतलब क्या होता है सेल्स यानी कि अपने प्रोडक्ट को दूसरों को बेचना तो उसी चीज़ को मैनेज करने को हम क्या बोलते हैं सेल्स मैनेजमेंट सो पहले हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर हैड टू कमांडिंग इन्फ्लुएंस ऑन द इकोनॉमी एंड मैन्युफैक्चरिंग वॉज मेन अटेंशन एट दैट टाइम कि जब तक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ था इंडस्ट्रीज़ बननी इतनी स्टार्ट नहीं हुई थी इतनी ग्रो होनी स्टार्ट नहीं हुई थी बहुत कम इंडस्ट्री होती थी स्मॉल स्केल होती थी तो अगर पहले क्या थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती थी जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ तो उस टाइम पर हमें अलग से सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी एक ही डिपार्टमेंट होता था इस चीज़ के रिगार्डिंग वो क्या था मैन्यूफैक्चरिंग डिपार्टमेंट इसी पे फोकस किया जाता था कि भाई प्रोडक्ट को मैन्यूफैक्चर करना है बनाना है वो हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता था जब स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस थी बट जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया एल आया लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी तो उसके साथ क्या होने लगी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन बढ़ने लग गई नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री बढ़ गई तो स्मॉल से हम किस पे पहुँच गए लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन पर पहुँचे तो अब हमें रिक्वायरमेंट हुई कि अकेले मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से कुछ नहीं होगा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी होगा फाइनेंस भी होगा मार्केटिंग भी होगा और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी होगा और और ज्यादा एडवांसमेंट एडवांसमेंट हुई अब और के बाद हमें क्या पता चला कि मार्केटिंग इतना स्मॉल एडवांस नहीं है कि हम एक ही डिपार्टमेंट के अंदर उसे कर सकें इसलिए हमने मार्केटिंग को और सेल्स को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया दैट इज वॉट सेल्स डिपार्टमेंट मार्केटिंग क्या काम करेगी हमारे जो ऑडियंस है जो भी हमारी टारगेटेड ऑडियंस है उसे अवेयर करेगी इन्फॉर्म करेगी हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बट सेल्स किसके अंदर आएगी सेल्स फोर्स के अंदर आएगी, आएगी। यानी कि जो ऑर्गेन इजेशन जैसे कई बार आप जॉब के लिए अपॉइंट करते हो जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पता चलता है कि सेल्स की जॉब है तो सेल्स की जॉब का मतलब क्या है आप एक पर्सनल सेलर बनते हो पर्सनल पर्सनल सेलिंग सेलिंग इसके अंदर अंदर आ जाती है तो सेल्स मैनेजमेंट मैनेजमेंट यानी कि ऑफ जिसके अंदर एक पर्सन डायरेक्टली आपके कस्टमर्स को टारगेटेड ऑडियंस को सेल करेगा इंटरपर्सनली दैट इज पर्सनल सेलिंग और उसी को मैनेज करना इज सेल्स मैनेजमेंट बिकॉज टाइम के साथ हमें पता चला कि मार्केटिंग एंड सेल्स क्या है एक वाइडर कॉन्सेप्ट है दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में आ गए और पोस्ट सेल्स डिपार्टमेंट को मैनेज करने को ही हम क्या बोलते हैं सेल्स मैनेजमेंट सेल्स मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग पर्सनल सेलिंग हमने देखो अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो प्ले है उसमें आपको पर्सनल सेलिंग पे एक फुल फ्लैज वीडियो मिल जाएगी सो पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ जैसे मार्केटिंग हम करते हैं तो कैसे कर सकते हैं हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं पब्लिसिटी कर सकते हैं पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं तो पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या है पर्सनल सेलिंग मीन्स कि आप अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो जाके आपके कस्टमर को टारगेटेड ऑडियंस के पास जाएंगे उन्हें अवेयर करेंगे और फिर आपके प्रोडक्ट की सेल करेंगे दैट इज़ पर्सनल सेलिंग और उस सेल्स फोर्स के रिगार्डिंग प्लानिंग डायरेक्शन कंट्रोल करना दैट इज़ पर्सनल सेलिंग या फिर सेल्स मैनेजमेंट अब उसमें हम जो हमारी सेल्स फोर्स है उसकी क्या मैनेजमेंट होगी तो उसकी क्या प्लानिंग वगैरह होती है कि कौन हमारी सेल्स फोर्स में काम करेगा उसको कैसे हम सेलेक्ट करेंगे उसको क्या क्या ड्यूटीज़ करनी है किस तरीके से उसे सुपरवाइज़ किया जाएगा कितना सैलरी उसे मिलेगी कैसे उसे मोटिवेट या ट्रेन किया जाएगा इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग डिसीजन लेना इन सारी मैनेजमेंट को करना ही क्या होता है सेल्स मैनेजमेंट सो आप आई होप आपको सेल्स मैनेजमेंट का मीनिंग क्लियर हुआ होगा सेल्स मैनेजमेंट मतलब जो आपकी सेल्स फोर्स है उसको मैनेज करना ऐसे पर्सन जो आपके सेल्स डिपार्टमेंट में काम करें उन्हें मैनेज करना दैट इज़ सेल्स मैनेजमेंट क्योंकि वो जाके डायरेक्टली आपके कस्टमर के साथ डील करेंगे और आपके प्रोडक्ट की सेलिंग करेंगे नाउ वट इज़ द नेचर ऑफ सेल्स मैनेजमेंट सेल्स मैनेजमेंट क्या है गोल ओरिएंटेड है किसी ना किसी जो भी चीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है एक चीज़ हमेशा याद रखना अगर ऑर्गेनाइजेशन कुछ कर रही है तो हमेशा उसके पीछे उसका कोई ना कोई गोल या ऑब्जेक्टिव होता है तो ये गोल ओरिएंटेड है डायनेमिक इन नेचर है आज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में दस एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी सेल्स मैनेजमेंट आप कर रहे हो एक महीने बाद पंद्रह हो गए उनकी सेल्स मैनेजमेंट आप कर रहे हो एक साल बाद इन पंद्रह में से पाँच चले गए और दस नए आ गए तो जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सेल्स मैनेजमेंट आप कर रहे हो और दस साल बाद ऐसा हो सकता है कि एक सौ पचास एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कर रहे हो तो क्या पहले जाओ आप सेल्स मैनेजमेंट यूज़ करते थे आज भी आप वही करते हो नहीं क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनक्रीज हो रही है तो पहले जैसे मीन्स यहाँ जो दस लोग थे उनके लाइक डिसलाइक परसेप्शन सब कुछ अलग हो सकता है इनके वैल्यूज परसेप्शन अलग हो सकते हैं जो अब क्या काम कर रहे हैं उनके लाइक डिसलाइक वैल्यू परसेप्शन चॉइस सब डिफरेंट हो सकती हैं तो जो सेल्स मैनेजमेंट है वो डायनेमिक है यानी कि जैसी सेल्स होगी जैसी हमारी सेल्स फोर्स होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना पड़ेगा एक रिजिड पैटर्न उसके अंदर हम फॉलो नहीं कर सकते इंटीग्रेट विद मार्केटिंग मैनेजमेंट हमने अभी देखा कि ये हमारी क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेटेड है क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट के ही अंदर हम मार्केटिंग के अंदर ही जो टूल करते हैं पर्सनल सेलिंग उसे यूज करते हैं वही हमारी है क्या है सेल्स मैनेजमेंट इसी को मैनेज करने को हम सेल्स मैनेजमेंट बोलते हैं सो ये किससे एसोसिएटेड है मार्केटिंग मैनेजमेंट से एसोसिएटेड है रिलेशनशिप सेलिंग की पर्सनल सेलिंग के अंदर हम क्या करते हैं रिलेशनशिप सेलिंग जो तीन लेवल पर होती है ट्रांजेक्शन Value added and collaboration. सो so, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है ये ऐसे कस्टमर्स हैं जो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी नहीं है कि ऐसा नहीं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बहुत स्मॉल अमाउंट में बाय करते हैं इतने प्रॉफिटेबल नहीं हैं तो वो आपकी क्या होती है ट्रांजेक्शन रिलेशनशिप आप उनके साथ मैनेज करते हो इतनी खास रिलेशनशिप नहीं होती बस नॉर्मल बाइंग एंड सेलिंग हुई उसके बाद इसके साथ ज़्यादा कनेक्शन हम नहीं रखते वैल्यू एडेड में क्या करते हैं मॉडरेट ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होते हैं तो इनके साथ हम मॉडरेट रिलेशन मेंटेन करते हैं कि मान लो वो लेके गए तो उसके बाद फिर से कॉल कर लेना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही और कोलेबरेटिव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अर्न कर रहे हैं और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो इनके साथ आप इन डेप्थ रिलेशनशिप मेंटेन करते हो दैट इज इंटीग्रेटेड जो रिलेशनशिप सेलिंग की जो हमारी सेल्स फोर्स है वो क्या करती है रिलेशनशिप सेलिंग करती है कि, कि किसके साथ ट्रांजैक्शन किसके साथ वैल्यू एडेड और किसके साथ कोलैबोरेटिव रिलेशंस को मेंटेन करना है वेराइंग सेल्स रिस्पॉसिबिलिटीज़ जो हमारी सेल्स फोर्स है उसकी अग अलग रिस्पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो उन्हें क्या करनी पड़ती हैं फुलफिल करनी पड़ती हैं सो दिस इज़ द नेचर ऑफ सेल्स मैनेजमेंट नाउ वट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल ऑफ सेल मैनेजमेंट इन मार्केटिंग कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स उन्हें करने पड़ते हैं तो फर्स्ट इज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन है मान लो उसके अंदर एचआर डिपार्टमेंट है फाइनेंस का डिपार्टमेंट है आर एन डी का डिपार्टमेंट है ये हमारा क्या है मार्केटिंग का और सेल्स का डिपार्टमेंट है तो इनको क्या रोल परफॉर्म करने पड़ते हैं या फिर इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं तो फर्स्ट इज सेटिंग सेल्स टारगेट कि ये डेटरमाइन करना कि एक महीने में एक हफ्ते में एक पर्टिकुलर टाइम में उन्हें कितनी सेल्स करनी है उस सेल्स के टारगेट को सेट करना कि इस महीने में मान लो आप डीमेट अकाउंट के सेल्स होल्डर हो या सेल्स फोर्स हो तो डीमेट अकाउंट के अंदर आप वर्क कर रहे हो किसी बैंक के अंदर एज अ सेल्स पर्सन तो आपका ये सेल्स टारगेट होगा कि एक महीने में मुझे कम से कम सौ डीमेट अकाउंट खुलवाने हैं तो इसका मतलब वो क्या है आपका सेल्स टारगेट तो ये काम ये रिस्पॉसिबिलिटी किसकी आपका ही रोल है ना तो सेटिंग सेल्स टारगेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना कि किस तरीके से जो आपने टारगेट सेट किया है उसे किस तरीके से मैं अचीव करूंगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना भी आपका ही रोल होता है आपकी रिस्पॉसिबिलिटी है टीम लीडरशिप का रोल प्ले करना कि किस तरीके से आप एज अ लीडर रोल प्ले कर रहे हो अपनी टीम को किस तरीके से आप गाइड करोगे अगर आपके अंदर पाँच दस लोग काम कर रहे हैं तो उन्हें किस तरीके से लीड करोगे मोटिवेट करोगे दैट इज़ ऑल्सो योर रोल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कि अगर आपको लगता है कहीं पे स्किल्स की एबिलिटीज़ की या नॉलेज की कमी है तो उसको किस तरीके से ट्रेन करना है कि इन तीनों चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके जैसे हम क्या बोलते हैं के एस ए नॉलेज स्किल और एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या ट्रेनिंग की डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है जो भी हमारी सेल्स फोर्स है जितने भी पर्सन जो सेल्स के अंदर काम कर रहे हैं क्या उन्हें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है ताकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव मैनर में कम्युनिकेट कर सकें इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना और अरेंज करना भी आपकी ड्यूटी बनती है सेल्स मैनेजमेंट की देन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सेल्स फोर्स काम कर रही है अच्छे से या नहीं कर रही वो भी आपकी ड्यूटी है कि सेल्स मैनेजमेंट के अंदर ही तो आया वो भी सेल्स मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे अच्छे से देखना कि आपने सेल्स टारगेट फिट किया फिक्स किया था कि हंड्रेड डीमेट अकाउंट आपको खुलवानी है तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करना एक महीने के बाद देखना कि एक्चुअल में वो हंड्रेड ओपन हो पाए या नहीं हो पाए कितने ओपन हुए एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वर्क हो रहे या नहीं और करेक्टिव एक्शन लेना सेल्स फोरकास्ट करना सेल्स फोरकास्टिंग का मतलब क्या है फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए पहले ही डेटरमाइन करके चलना कि कितनी सेल्स हो सकती है मान लो आप एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में हो वही एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लो आप चॉकलेट बनाते हो एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है चॉकलेट बनाने की तो जब आप सेल्स फोरकास्ट करोगे तभी तो मैन्युफैक्चरिंग होगी आप जितना सेल्स फोरकास्ट बताओगे मान लो आप बताते हो कि एक महीने के अंदर हमारी वन चॉकलेट जो है वो सेल होंगी तो उसी के बेस पे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एक हज़ार बारह सौ या फिर इतनी बनाएगा ताकि ज़्यादा वेस्ट ना जाए तो सेल्स फोरकास्ट करना भी उन्हीं का काम होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग की जाती है बजट मैनेजमेंट करना इनके अंदर आता है कि किस तरीके से सेल्स का बजट प्रिपेयर किया जाएगा सेल्स करते टाइम कितना इनफ्लो होगा उसको इंक्रीज करने के लिए कितना कैश आउटफ्लो होगा हर चीज़ की मैनेजमेंट करना एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट रिलेशनशिप किसके साथ कस्टमर्स के साथ अच्छे से मैनेज करना क्योंकि सेल्स फोर्स ही वो हैं सेल्स मैनेजमेंट किसकी मैनेजमेंट है पर्सनल सेलिंग की यानी कि हमारी सेल्स फोर्स की और सेल्स फोर्स ही किसके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं हमारे कस्टमर्स के साथ तो अच्छी रिलेशनशिप मैनेज मेंट करना इज आल्सो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ रोल्स एंड स्किल्स ऑफ मॉडर्न सेल्स मैनेजर कि मॉडर्न टाइम में आज के टाइम में क्या-क्या रोल्स हैं वो हमारे बेसिक रोल थे ये मॉडर्न रोल्स ऑफ सेल्स मैनेजर हैं तो क्या-क्या मॉडर्न रोल्स हैं प्लेइंग अ स्ट्रेटजिक रोल क्योंकि अब जो हर चीज देख जैसे आप कोई भी चीज पढ़ो उसके अंदर क्या चीज अटैच हो गई है स्ट्रेटजिक कि पहले ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता था कि सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करने के लिए काम कर रही है और इंडिविजुअल्स को जो बताया गया है वो उस पर काम कर रहे हैं बट अब क्या हो गया है रोल हो गया है कि इनके इंडिविजुअल के गोल को इसी के साथ जोड़ देना वर्टिकल फिट हॉरिजॉन्टल फिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अडॉप्ट करना ताकि जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके थ्रू हम अल्टीमेट गोल को अचीव कर सकें सो so ये आज के मॉडर्न टाइम में इनका क्या रोल है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक रोल प्रिपेयर करना कि हमारी स्ट्रेटजी को मेंटेन करना उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन को हम अचीव कर सकें ऑर्गेनाइजेशन के अल्टीमेट गोल को अचीव कर सकें वर्किंग एज अ मेंबर ऑफ कॉर्पोरेट टीम कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके अंदर कोई टीम बना रखी है और उसके मींस लीडर कोई और है तो आप मेंबर हो तो एज ए मेंबर आपको रोल प्ले करना पड़ता है अगर आप उसके लीडर हो टीम के लीडर हो तो आपको एज ए लीडर रोल परफॉर्म करना पड़ेगा जितने भी आपके अंडर काम कर रहे हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करना उन्हें गाइड करना ये सारा काम आपको करना है मैनेजिंग मल्टीपल सेल्स चैनल ऐसा नहीं है ना कि आप एक ही सेल्स चैनल को यूज़ करोगे आप ऑनलाइन मेथड भी यूज कर सकते हो ऑफलाइन मेथड भी यूज कर सकते हो ऑनलाइन के अंदर भी आप ऐसा हो सकता है कि सोशल साइट से बेच सकते हो आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो तो मल्टीपल चैनल्स ओपन करना उन्हें मैनेज करना भी आपका रोल है क्योंकि आज के टाइम में सब मल्टीपल चैनल पर वर्क कर रहे हैं और उसी को मैनेज करना आज के टाइम पर सबसे बड़ा रोल्स है

आई विल से सबसे इम्पोर्टेंट है और मॉडर्न में सबसे ज़्यादा आगे आ रहा है क्योंकि पहले ऑर्गेनाइजेशन का एक फिजिकल प्लेस होता था जहाँ पे वो सारे काम करती थी बट अब ऐसा नहीं हुआ आपने देखा होगा ऑनलाइन जॉब कितनी है सब अपने घर से काम करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है ऑनलाइन सेल्स हो रही है तो ये जो आपकी रिमोट टीम है जो अलग अलग लोकेशन से काम कर रही है सेल्स फोर्स है जो आपकी उसको मैनेज करना इज ऑल्सो एन मॉडर्न रोल एंड इम्पॉर्टेंट रोल नाउ वट आर द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन सेल्स मैनेजर सो दिस थ्री आर द बेसिक स्किल्स पीपल स्किल मैनेजिंग स्किल एंड टेक्निकल स्किल पीपल स्किल का मतलब क्या होता है इंक्लूड द सेल्स मैनेजर एबिलिटीज़ टू मोटिवेट कम्युनिकेट कोर्डिनेट एंड लीड विद पीपल यानी कि पीपल से ह्यूमन स्किल्स रिलेटेड ह्यूमन बींग से रिलेटेड स्किल कितने अच्छे से आप अपने साथ काम करने वाले लोगों को अपने अंडर काम करने वाले लोगों को समझते हो उनकी एबिलिटीज़ को पहचानते हो ताकि आप उनसे अच्छे से बातें कर सको कम्युनिकेट कर सको कॉर्डिनेट कर सको और मोटिवेट कर सको क्योंकि अगर आपकी सामने वाले के साथ ऐसी आपकी ह्यूमन स्किल्स हैं ही नहीं आपके पास कि आप दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे तो किस तरीके से आप उसे मोटिवेट करोगे मोटिवेट करने के लिए ये अंडरस्टैंडिंग तो जरूरी है ना अगर आप उसे समझोगी नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसे मोटिवेट क्या करेगा सो पीपल स्किल्स होनी चाहिए मैनेजिंग स्किल और सेल्स मैनेजर के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट है पीपल स्किल्स होना क्योंकि वो एक्चुअल में कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं मैनेजिंग स्किल्स यानी कि जो भी वो काम कर रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट का ही हम बात कर रहे हैं तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग ये सारी स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए ताकि वो इफेक्टिव ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकें टेक्निकल स्किल का मतलब क्या होता है किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड स्किल स्पेसिफिक और फंक्शनल स्किल सच एज ट्रेनिंग नेगोशिएटिंग एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर्स की ये स्किल्स के अंदर भी होनी चाहिए बिकॉज अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल पेपर की जगह कंप्यूटर्स पे काम कर रही है तो कितनी उनके अंदर एबिलिटी है कि वो कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकते हैं कितनी अंदर एबिलिटी है कि वो प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं ये सारी स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए सो so, तीन बेसिक स्किल जो कौन सी हैं पीपल मैनेजिंग एंड टेक्निकल स्किल्स फॉर सेल्स मैनेजर सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मैंशन इन कमेंट सेक्शन थैंक यू कीप सपोर्टिंग डोंट फॉर गेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर my channel